हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज कुछ स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्वीट पैनकेक, या बंगाली में जिसे बोलते हैं पार्टी शेप्टा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होता है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए हमको जो दो मेन इन्ग्रीडियंट है वो चाहिए, नारियल और खजूर का गुड़ या डेट्स जैगरी। तो पहले मैंने ले लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल 3 कप, और ये स्पेशली ठंड के मौसम में बंगाल में बनती है क्योंकि ठंड के मौसम में ही हमको खजूर की गुड़ मिलती है। तो ये अभी तो खजूर की गुड़ प्रिजर्व करके भी पूरे साल में मिल जाता है। तो मैंने 3 कप नारियल को थोड़ा सा तल लिया, थोड़ा सा उसको एक बार कढ़ाई में ऐसे ही तल के, फिर मैं जो इसमें डाल रही हूँ खजूर का गुड़ 500 ग्राम। अब जो खजूर का गुड़ है ये देखिए आप सेमी लिक्विड है। तो खजूर का गुड़ बेसिकली 3 टाइप होता है। ये एक होता है बिल्कुल लिक्विड, एक होता है सेमी लिक्विड, और एक होता है एकदम टाइट जिसको हम पाटाली बोलते हैं, वो चंक होता है। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सेमी लिक्विड, क्योंकि बिल्कुल लिक्विड यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा परिमाण लगेगा, क्योंकि जो लिक्विड खजूर का गुड़ होता है वो करीब रस के समान होता है, जूस के समान होता है। खजूर के जूस को जस्ट गुड़ में ट्रांसफ़र किया गया है, इसीलिए वो नहीं चलेगा। हम सेमी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 कप से थोड़ा ज़्यादा नारियल लिया है, इसलिए मैं जो ले रही हूँ करीब 500 ग्राम के आसपास ये सेमी लिक्विड खजूर का गुड़। अब मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते जाऊँगी मीडियम फ्लेम में, और जब तक ये गुड़ जैसे मैं डाल दिया, देखिए रस छोड़ने लगा है, तो इसको बिल्कुल सुखा लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं सुखाना है तो फिर टाइट हो जाएगा। मैंने 5 मिनट सुखा लिए। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इस पर खोया या मावा। मावा मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम, और ये मावा डालने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा जो स्वीट पैनकेक हम बना रहे हैं या पार्टी शेप्टा बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं 50 ग्राम। अब इसको ठंडा कर लेंगे। अब इसका बैटर रेडी करते हैं। तो पहले मैंने ले लिया है 1/2 कप सूजी या सेमोलिना। 1 कप पानी के साथ उसको मैं भिगो के रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए, क्योंकि सूजी भिगोने के बाद फूल जाता है। 1/2 घंटे बाद मैंने ले लिया है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप। अब मैं इसमें मिलाऊंगी जो सूजी मैंने भिगो के रखा था 1/2 घंटे के लिए, वो जो 1/2 कप सूजी था, देखिए भीग के फूल के बहुत ज़्यादा हो गया अभी। और अब मैं इसमें डालूंगी दूध 1 कप और 1 कप पानी। तो हम इसी दूध के बर्तन में पानी ले लिया तो कलर थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है 1 कप। तो 1 कप दूध 1 कप पानी। अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे, और सारे चीज़ को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लंप ना रहे, इसलिए मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। बीटर से बहुत अच्छा बीट हो जाता है, क्योंकि आप कुछ और चीज़ यूज़ करोगे ना तो लंप होने की संभावना है। तो बीटर से बहुत अच्छे से बीट कर लीजिए 4 से 5 मिनट, जब तक एक स्मूथ बैटर ना बन जाए। अब देखिए बैटर बिल्कुल स्मूथ है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी चावल का आटा 2 टेबलस्पून। तो ये बॉयल्ड राइस है, पारबॉयल्ड राइस नहीं है, बॉयल्ड राइस का आटा ही मिलाना है, जो पाउडर है वही मिलाना है। पारबॉयल्ड राइस मिलाओगे तो फट जाएगी हमारी जो पार्टी शेप्टा है या पैनकेक है, इसलिए बॉयल्ड राइस का ही मिलाइए। अगर नहीं है तो मत डालिए, लेकिन पारबॉयल्ड राइस का मत मिलाइए। अब फिर से बहुत अच्छे से मिला लिया मैंने, मतलब आतप चावल जो होता है उसका आटा नहीं मिलाना है, जो बॉयल्ड राइस होता है उसका आटा मिलाना है। अब थोड़ा सा नमक डाल दिया, बस थोड़ा सा 1 पिंच, इससे टेस्ट बहुत अच्छे से बैलेंस होता है मीठा के साथ, और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं घी थोड़ा थोड़ा ब्रश करूँगी और ये जो स्वीट पैनकेक है या पार्टी शेप्टा बनाऊंगी। आप चाहे तो वाइट ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा घी देंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब मैं एक एक जो स्पून है वो डालूंगी और तुरंत इसको फैला दूंगी और एकदम पतला पतला पैनकेक बना लूंगी। तो मुझे ऐसे ईजी लगता है, जो तेज पत्ता है उससे फैलाना ईजी लगता है। आप गैस की फ्लेम को अभी लो मीडियम हीट पर रखिए, बहुत ज़्यादा हीट पे मत रखिए, तब ख़राब हो जाएगा, और बिल्कुल लो भी नहीं रखना है। करो अब बस 2 मिनट, देखिए ये सेट हो गया है। अब इसको मैं पलट दूँगी, क्योंकि 2 मिनट में ही सेट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा पतला बनाना है तभी खाने में मज़ा आता है। आप जो हमने स्टफिंग बना के रखा था नारियल और खजूर गुड़ का, वो हम बीच में ऐसे डाल देंगे और फिर इसको रैप कर देंगे जैसे हम नॉर्मली पैनकेक को रैप करते हैं।
और बहुत ज़्यादा आप फ्राई नहीं करना है तो फिर इसका वाइट कलर चला जाएगा। अगर आप वाइट कलर नहीं चाहते हैं तो थोड़ी देर तक उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाइट कलर ही अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करूँगी। अब मैंने और भी बहुत सारा बना लिया है। आज का रेसिपी कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और घर पे ज़रूर बना के खाइएगा ये स्वीट पैनकेक या पार्टी शेफ्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।